आज हम लोग पढ़ना सीखेंगे कि कैसे समय बताएं। जैसे आपको बोलना हो सवा छः हुआ है, साढ़े छः हुआ है, पौने छः हुआ है, जनवरी का महीना था, जाड़े का मौसम था, बारिश हो रही है, इन सारे शब्दों को आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। बेसिकली ये वीडियो स्पोकन का है। बहुत सारे बच्चों से हमने मिला, अंग्रेजी में वो बात नहीं कर पाते, वो बोल नहीं पाते कि बाहर धूप है, बारिश हो रही है, देखो तो बारिश हो रही है, तो इस तरह के सेंटेंसेस नहीं बोल पाते। आज हम लोग सीखेंगे इसमें कैसे बोला जाए। तो वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर। स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं टाइम का यूज कैसे किया जाए। यहां बेटा मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले ध्यान दो कि आपके पास क्या है। ध्यान दो, यहां पे एक घड़ी बनाया हमने, समझा, बड़े प्यार समझो गौर से, घड़ी बजाया, यहां पे देखो 12 बज गया, राइट। यहां पे देखो अभी टाइम क्या हुआ है, आप लोगों को साथ साथ बोलना है, बैठ के देखना नहीं है। अब यहां देखा 3, 6, 9, अब देखो आराम से, कोई पूछे कितना बजा है, बताओगे 3 बजा है। अब जरा सोच के देखो, जब भी आपको बोलना है, ये जो मिनट की सुई और ये घंटे वाली सुई, अब ये सुई आगे जाएगी, अगर कोई सुई आगे जा रहा हो तो बोलो टाइम ज्यादा कि कम, बोलो ज्यादा, वेरी गुड। तो टाइम क्या हो जाएगा बाबू, ज्यादा। तो ज्यादा के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, इसका नाम होता है पास्ट, क्लियर। अब देखो ये मिनट की सुई हम पीछे करेंगे, तो बोलो टाइम ज्यादा कि कम, जल्दी बोलो ज्यादा ही कम, कम। तो कम के लिए एक अंग्रेजी में वर्ड है जिसका नाम है टू। तो कम बोलना है तो टू बोलेंगे, ज्यादा बोलना है तो पास्ट बोलेंगे। अब सर बोलेंगे कैसे वो ध्यान दो, पहले कुछ टेक्निकल टर्म है, पहले इसको जानते हैं। बताओ बेटा एक घंटा में कितने मिनट, 60 मिनट, 60 को 4 से डिवाइड किया कितने बचे, 15, 15 को क्या बोलेंगे, क्वार्टर, राइट। 2 से डिवाइड किया कितने बचे, 30, 30 को क्या बोलेंगे, हाफ, क्लियर। अब बोलो ज्यादा हुआ है, ज्यादा का मतलब तुमको बोलना है 3:15, तो क्या हुआ, पास्ट हुआ कि नहीं, और कितना पास्ट, क्वार्टर पास्ट, कम हुआ तो क्वार्टर टू, क्लियर। अब यहां ध्यान दो, अब जहां सब बोलने के लिए ये दो बात समझ में आ गया कि जब टाइम ज्यादा हो तो क्या प्रयोग करेंगे, पास्ट, टाइम कम तो क्या प्रयोग करेंगे, टू, क्लियर। अब क्वार्टर का मतलब चौथाई, सवा या पौने बोलना हो तो क्वार्टर, अगर हाफ बोलना हो 4.5, 3.5 तो हाफ का प्रयोग करेंगे। बट बोलेंगे कैसे सर इसकी बात, तो सबसे पहले आप अंग्रेजी में इट लगाना, क्या लगाना बेटा, इट, इट के पास इज, अब इज प्रेजेंट की बात, अगर पास्ट बोलोगे तो वाज लगा देना, ठीक है, इट प्लस इज या वाज, इसके साथ टाइम लगा देना, जो टाइम तुमको दिया गया हो मिनट वाला छोटे टाइम, इसके बाद लगा देना आवर वाला टाइम, क्लियर। यहां से तुम्हारा अंग्रेजी का टाइम फिक्स है। लेकिन इसके अलावा तुम और कुछ बोलना चाहते हो, जनवरी का महीना है तो तुम मंथ लगा सकते हो, तुमको कोई ईयर बोलना हो तो कोई ईयर लगा सकते हो, ठीक है, कोई नेचुरल लगाना हो तो कोई नेचुरल इवेंट लगा सकते हो। अब हम बोल के देखते हैं क्या इसके सहारे क्या अंग्रेजी बोलना आसान हो गया, बहुत आसान है, बस एक बार आपको मेरे साथ बोलने का प्रयास करना है। देखो मैं लिखता हूं तुम्हारे सामने हिंदी में, हमें लिखा सवा 5 हुआ है, सवा 5 हुआ है, अब बताओ बेटा सवा 5 ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, ज्यादा है ना, तो सवा मतलब ज्यादा है, अब बोलो क्वार्टर है कि नहीं, क्वार्टर है, बिना पूछे क्या लगाया, इट, बिना पूछे क्या बोला, इट, हजार सेंटेंस बनवाऊंगा अभी, बिना पूछे क्या बोला, इट, इट के बाद इज या वाज, हमने इज लगा दिया, इट के बाद छोटा टाइम, टाइम लगाना है, अब सवा मतलब क्वार्टर तो इट इज क्वार्टर, इट इज क्वार्टर, ज्यादा है, ज्यादा क्या लिखना है, पास्ट, तो इट इज क्वार्टर पास्ट कितना बेटा, 5, इट इज क्वार्टर पास्ट 5, क्लियर कॉन्सेप्ट, इट इज क्वार्टर पास्ट 5। अब ध्यान दो बोर्ड पे, हमने कहा सवा 5 हुआ है, अगर हमको बोलना है 4:45 हुआ है, यानी 5:15 बाकी है, तो इट इज क्वार्टर पास्ट या 2 कर दिया, तो क्या बन गया, 4:45, 4:45 हुआ है, तुम हिंदी में लिखा 4:45 हुआ, यानी 5:15 बाकी है, तो इट इज क्वार्टर टू 5, अगर यहां पर करते हैं पास्ट, तो पास्ट का मतलब ज्यादा, तो ये टाइम तुम्हारा ज्यादा है तो क्वार्टर पास्ट 5, टाइम तुम्हारा कम है क्वार्टर टू 5, क्लियर। अभी टाइम और देखिए, अब यहां पे एक बात और ध्यान रखना है, जो कि अभी एग्जाम में यूपीएससी ने एक बार पूछा है, एग्जाम में क्या पूछा है, अगर टाइम 5 के मल्टीपल हो, 5, 10,
15, 20 लेकर 7 तक कर दिया। बोलो 5 के मल्टीपल है कि नहीं? अगर 5 के मल्टीपल हो तो मिनट शब्द का यूज नहीं करते, इसको लिख लो नोट डाउन। यानी 5 के मल्टीपल हो तो मिनट शब्द का यूज नहीं करते। अगर टाइम पांच के मल्टीपल ना हो, जैसे 5:07, 5:11, 5:03, 5:17, तो मिनट शब्द का यूज जरूर करते हैं, मिनट शब्द का यूज जरूर करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। हमने बोला बेटा कि 5:07 हुआ है, 5:07 हुआ। बताओ बच्चे टाइम ज्यादा कि कम? टाइम ज्यादा ही कम, ज्यादा ना। तो बिना पूछे क्या लिखा? इट, इट के साथ क्या लिखा? इज। अब इट इज के बाद अब देखो पास्ट लगाना है, ज्यादा टाइम है, कितना ज्यादा है? 7। तो क्या लिखेंगे? इट इज 7, है ना, इट इज 7 मिनट्स। अब देखो 7 क्या है? 5 के मल्टीपल नहीं था, तो इट इज 7 मिनट्स, इट इज 7 मिनट्स। कितना पास्ट? कितना पास्ट? 5। क्लियर? तो इट इज 7 मिनट्स पास्ट 5। अब यही बोलना है कि 5:15 हुआ है, तो 5:15 हुआ है तो क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज 15 पास्ट 5। या बोल सकते हो इट इज 15:15। 5:15 हुआ है, इसका मतलब कि 5:15 हुआ है, तो इट इज 15:15 या इट इज 15 पास्ट 5। तो ये 5 का मल्टीपल है, इसलिए मिनट शब्द का यूज नहीं करेंगे। 5 का मल्टीपल है, मिनट शब्द का यूज नहीं करेंगे। अगर मिनट शब्द का यूज करना हो तो यहां पे मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो इट इज 15:15, इट इज 15:15 या इट इज 15 पास्ट 5। एग्जाम्पल और देखिए। मैं चाहता हूं कि आप 1000 एग्जाम्पल बोलें, आप आराम से इस पर काम करें। सबसे पहला मैं फिर समझा दूं, टाइम ज्यादा हो तो क्या लगाना है? पास्ट। कम लगाना तो क्या बोलना हो? 2। अब ध्यान दो, 60 मिनट 4 डिवाइड किया 15, 15 क्या हो गया? क्वार्टर। 30 क्या हो गया? हाफ। अब तुम्हें बोलना है 4:30 हुआ है, 4:30 टाइम ज्यादा हुआ ना, तो टाइम ज्यादा हुआ तो इट इज हाफ पास्ट, इट इज हाफ पास्ट 5। 6:30 हुआ है, इट इज हाफ पास्ट 6। 6:45 हुआ है, तो 6:45 कम हुआ ना, तो इट इज 6:45। 6:45, ठीक है। तुम्हें बोलना है 6:07 बाकी है, तो इट इज 7:26। तुम्हें बोलना हो 6:16 बाकी है, तो इट इज 16:26। आपको बोला 6:16 हुआ है, तो इट इज 16:16 पास्ट 6। क्लियर? तो जितने मर्जी सेंटेंस बोल सकते हो। आपको बोलना है जनवरी का महीना है, आपको बोलना है जनवरी का महीना है, तो आपको क्या बोलना है? इट इज। अब या तो बोलो इट इज के बाद मंथ बोल दो, इट इज जनवरी, या तो बोल दो इट इज द मंथ ऑफ, इट इज द मंथ ऑफ जनवरी। तो या तो बोलो इट इज जनवरी या इट इज द मंथ ऑफ जनवरी। सर अच्छा कौन सा लग रहा है? तो इट इज द मंथ ऑफ जनवरी ज्यादा अच्छा है। एक बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देना। हमने जैसे कहा बेटा, समझना गौर से, हमने एक लाइन बोला आपके लिए, और वो लाइन बोला आज सोमवार है, आज सोमवार है। मैक्सिमम लोग पता है क्या बोल देते हैं? देखो लिखता हूं, मैक्सिमम बोलते हैं आज टुडे इज मंडे। क्या बोलते हैं लोग? टुडे इज मंडे। बेटा एक गलत है, टुडे इज मंडे नहीं बोलना कभी। आप डीएसएल के स्टूडेंट्स हैं, आप धर्मेंद्र से पढ़ रहे हैं, गलत सही नहीं पढ़ना। आप यहां दो आज सोमवार है, यानी सोमवार का मतलब हुआ कि डेट डेट टाइम आ जाए। तो जब भी डेट डेट टाइम का प्रयोग किया जाए यू शुड फॉलो दिस स्ट्रक्चर। तो आज सोमवार है, ये गलत हो गया। सही क्या हुआ सर? तो हम लोग बोले इट, इट के साथ इज लगाया, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, या फिर इट इज मंडे से भी काम चल जाएगा। इट इज मंडे टुडे, टुडे इज मंडे नहीं होता। ये हम लोग बोल चाल में बोल देते हैं, बट ये गलत है, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। तो इट इज मंडे टुडे, ये आप खास ध्यान रखना बेटा, इसको ध्यान रखना है। आज सोमवार है, राइट, उस आज मंगलवार है, तो इट इज ट्यूजडे टुडे। आज
बुधवार है, इट इज वेंसडे टुडे, तो आप जो भी बोल रहे हो उस तरह से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस तरह से जितना भी टाइम हो आप टाइम इजीली बोल सकते हो। आपको बोलना है 1980 का साल था, हमने बोला 1980 का साल है, अब है बोलो या था बोलो, 1980 का साल है, सॉरी है तो बोल नहीं सकते बेटा, क्या बोलना है, था, इट इज, यह 1980 का साल था, राइट, तो 1980 का साल था, अब तो क्या बोलना, इट, अब इट के साथ इज या वाज, था हो गया तो पास्ट हो गया ना, है बोलेंगे तो इज हो जाएगा, तो 1980 का साल था तो इट वाज, इट वाज द ईयर ऑफ 1980, इट वाज द ईयर ऑफ 1980, ठीक है। आपको बोलना है 1960 का साल था, इट वाज द ईयर ऑफ 1960, 2010 का साल था, इट वाज द ईयर ऑफ 2010, तो जितना मर्जी करे आप सेंटेंस इसी से बोलना, इट के साथ इज लगाओ, इट के साथ वाज लगाओ, और कोई भी टाइम का प्रयोग आप कर सकते हो। आपको बोलना है बेटा, ध्यान देना, हमने बोला चार के आसपास है, ध्यान देना, चार के आसपास है, अब हर तरह का टाइम दे रहा हूं, चार के आसपास, अब देखो ये तुम्हारे पास घड़ी है, अब चार के आसपास तो पहले भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो चार के आसपास, आगे भी पीछे भी, तो जब आसपास का सेंटेंस हो तो आप इसके लिए अराउंड का प्रयोग कर सकते हो। तो क्या बोलोगे, इट इज अराउंड 4 o'clock, इट इज अराउंड 4 o'clock, राइट, चार के आसपास है, इट इज अराउंड 4 o'clock, पांच के आसपास है, इट इज अराउंड 5 o'clock, या इट इज अराउंड 5, ओ क्लॉक ना भी लगाओ तो इट इज अराउंड 5, इट इज अराउंड 4, इट इज अराउंड 3, इट इज अराउंड 2, राइट, 4:30 हुआ है, इट इज 4:30, 4:45 हुआ है, इट इज 4:15, तो 4:15 का मतलब 2 और ज्यादा का मतलब पास्ट। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, बेहतर इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, ये अंग्रेजी बोलने के लिए बेहद जरूरी है, हजारों सेंटेंस आप बनाइए, और जहां भी और चाहिए आप कमेंट करें कि सर और बेहतर कैसे हो सकता है, इससे अंग्रेजी बोले लिखें, और इसको पूरे भारत में हर बच्चे को टाइम देखने आना चाहिए क्योंकि समय बहुत कीमती है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।